मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने गोरखपुर पहुंचकर भरी जीत की हुंकार, किया जनसभा को संबोधित, कहा भाजपा की जुमलेबाजी से जनता है परेशान। गोरखपुर पहुंची बेसिक शिक्षा मंत्री अनुपमा जायसवाल ने गोरखपुर न्यूज से कहा कि प्रदेश में खुलेंगे अंग्रेजी माध्यम के 5000 विद्यालय, सपा और बसपा के गठबंधन को जनता सिरे से करेगी खारिज। कांग्रेस सरकार के पूर्व मंत्री संजय सिंह ने की प्रेस वार्ता, कहा केंद्र और प्रदेश की सरकार कर रही है जनता को गुमराह। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए भाजपा के प्रदेश महामंत्री पंकज सिंह ने कहा कि सपा और बसपा में हुआ है ठगबंधन। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर समाज में महिलाओं के योगदान विषय पर आयोजित हुई संगोष्ठी, वक्ताओं ने रखे विचार। बेसिक शिक्षा मंत्री का हुआ नागरिक अभिनंदन, कहा विकास के नाम पर जीतेगी भाजपा। प्रशिक्षण ले रहे पीठासीन तथा मतदान कार्मिकों को चुनाव प्रेक्षक ने मतदान के बारीकियों की दी जानकारी, कहा निष्पक्ष संपन्न कराते रहे मतदान। यूपी रोडवेज एम्प्लाइज यूनियन का वार्षिक चुनाव हुआ संपन्न, सर्वसम्मति से चुने गए 15 पदाधिकारी। 8 मार्च को गोरखपुर विश्वविद्यालय में मतदाता जागरूकता विषयक रंगोली बनाओ कार्यक्रम का होगा आयोजन। आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में जिलाधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी राजीव रौतेला ने भाजपा प्रत्याशी उपेंद्र दत्त शुक्ल से 3 दिनों के भीतर मांगा स्पष्टीकरण। सीओ कोतवाली के अगुवाई में किया गया फ्लैग मार्च, शांतिपूर्ण चुनाव के लिए प्रशासन पूरी तरह से है मुस्तैद। जिले में 102 गेहूं क्रय केंद्र खोलने की जिलाधिकारी ने दी जानकारी। बच्चों के प्रति हमारे मौलिक कर्तव्य विषय पर हुआ सेमिनार का आयोजन। जिले में 41,800 कृषकों का हुआ फसली ऋण मोचन, वंचित 10 मार्च तक ऑनलाइन दर्ज कराएं शिकायत। क्षेत्र पंचायत के ब्लॉक प्रमुख के सामान्य निर्वाचन में मतदान के लिए कंपेनियन वोटिंग को जिलाधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी ने दिया सशर्त अनुमति। और आतिफ क्रिकेट टूर्नामेंट अंडर 12 में लक्ष्य स्पोर्ट्स एकेडमी ने TNM सहजर्मा को 10 विकेटों से दी करारी शिकस्त।